बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो। साथियों, मैं उसी शहर में मौजूद हूं जहां शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी आखिरी तकरीर की थी, और आज मैं यहां पहुंचा हूं इसलिए एक बार फिर पाकिस्तान खतरे में है, हमारा मुल्क खतरे में है। एक तरफ मुआशी बहरान है, दूसरी तरफ जमहूरी बहरान है, तीसरी तरफ तो हमारे पूरे मुआशरे में बहरान पैदा हो चुका है, और साथ साथ दो ही दहशतगर्द जिनको हमने कुर्बानियां दे के शहादतें कबूल करके शिकस्त दिलवाए थे, वो एक बार फिर सर उठा रहे हैं, और एक बार फिर ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है कि मैं खतरे में हूं, और इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। कायदे अवाम ने हमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी आखिरी इंतखाबी मुहिम में इस नारा में इजाफा करके कहा कि मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, इल्म सेहत सबको काम, दहशत से महफूज अवाम, ऊंचा हो जमहूर का नाम। और हमने यही नजरिया, यही जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें फलसफे दिए, इसी नजरिया के साथ हमने इस इलेक्शन के लिए इंतखाबी मंशूर पेश किया है, और साथ साथ एक अवामी मुआशी मुआहिदा पेश किया है। हमारा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा गुरबत का भी मुकाबला करेगा। हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करेगा, और हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा पाकिस्तान के अवाम को रोटी कपड़ा मकान दिलवाएगा, इल्म सेहत सबको काम दिलवाएगा, दहशत से हमें महफूज करवाएगा, और ऊंचा हमारा जमहूर का नाम करवाएगा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क को ना सिर्फ मुआशी बहरान से, मगर साथ साथ जो हमारा पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है, हमारा जुनूनी निजाम में एक जो बहरान पैदा हुआ है नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से, जाती इंतकाम की सियासत की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो नफरत और तकसीम की सियासत को इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन कर देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो इंशाअल्लाह ताला ट्रूथ और रेकंसिलिएशन कमीशन बना के पूरा मुल्क को एक करके इस मुल्क को आगे बढ़ाएगी, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगी। इस मुल्क के अवाम का मसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला ही हल कर सकती है। हम वो वाहिद जमात है जो सब को साथ लेके चल सकते हैं। हमने ये माजी में भी दिखाया, और एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद हम एक बार फिर ये करके दिखाएंगे। जहां तक दहशतगर्दी का मसला है,
ये बहुत जरूरी है कि हम इस मसला का आज मुकाबला करें। पाकिस्तान का हमेशा माजी में ये रवायत रहा है कि हम मुकाबला करने के बजाय हम बहाने बनाते हैं, और फिर जब दहशत गर्दी अरूज पे पहुंच जाते हैं, हमारे बच्चे को कत्ल कर देते हैं, तो फिर हम मजबूर करके इनका मुकाबला करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम फैसला करें कि पाकिस्तान में कोई गुड तालिबान या बैड तालिबान नहीं होगा। हम तमाम दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। हम सिर्फ उन लोगों को मान सकते हैं, उन लोगों को माफ कर सकते हैं जो पाकिस्तान का आईन को मानते हैं, जो कहते हैं कि ये जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ इस्लामी जमहूरी वफाकी आईन है, इस आईन को हम मानते हैं, तो फिर हम उनसे उनको ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान में अमन के लिए सूरत हाल पैदा हो। लेकिन अगर कोई हमारा आईन को नहीं माने, अगर कोई हथियार उठाए मुल्क के खिलाफ, तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वो मुंह तोड़ जवाब देंगे जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवा सकती है। आपने इस इलेक्शन में जो 8 फरवरी पे होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में, मुल्क भर में 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, और एक जमात ने वो ही पुरानी अब सियासत अपनाई है, एक जमात ने वो पुरानी सियासत अपनाया है जिससे उन्होंने तौबा कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हुए, एक जमात ने अपना ही वोट का इज्जत का नारा भूल के वो ही पुरानी सियासत अपनाई है, और वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। मैं आपसे, पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि ये इनका गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी है। इनको ये समझ नहीं आता कि असल में ताकत का सर चश्मा अवाम है, ताकत का सर चश्मा अवाम है, ताकत का सर चश्मा अवाम है। वो नफरत और तकसीम की सियासत करके आपको तकसीम करने चाहते हैं, वो आपको गुमराह करना चाहते हैं। आपने सोच समझ के आपका वोट का हथियार इस्तेमाल करना है। अगर आप सोच समझ के वोट डालते हो, तो ये जो चौथी बार बढ़ने वाले है जमहूरी साजिश है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं। अगर आप ना सिर्फ खुद, ना सिर्फ अपना तमाम पूरा खानदान, ना सिर्फ आपके हमसाए में रहने वाले लोग, लेकिन हर जो आप जानते, हर जानने वाले से ये बात समझाएं कि इस वक्त जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, होशियार होने की जरूरत है। 8 फरवरी को वोट जाया ना करें, इस तीर पे मोर लगाए, तीर पे मोर लगा के आप इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं। आप नून लीग के नजरियाती कारकुनों को समझाए कि ये वो नून लीग नहीं रहा, ये वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आपको जमहूरियत को बचाना है, अगर आपको पाकिस्तान को इस नफरत और तकसीम की सियासत से बचाना है, तो शेर पे नहीं तीर पे थप्पा लगाना है। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जज्बाती कारकुन को समझाएं कि हम ये जिद्दोजहद 3 नस्लों से लड़ते आ रहे हैं, हम मुकाबला करना जानते हैं, ये अब संजीदगी का वक्त है। समझो कि इस इलेक्शन में अब खान साहब नहीं रहा, इमरान खान वजीर आजम किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। बाकी जो उनके जमात के ना चेयरमैन है, ना सेक्रेटरी जनरल है, तमाम जो अहदेदार है वो प्लांटेड है, प्लांटेड। इनको ये समझ होना चाहिए कि ये जो आपका निशान नहीं मिला, ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। पहले
एक दिन उनका एक ओहदेदार उठता है और सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान को गालियां सुनाते हैं। अगले दिन उनका पेशी होता है तो उनकी वही प्लांटेड लोग जाते हैं, तैयारी के बगैर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, फिर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं कि हमारा निशान छीना गया। नहीं छीना नहीं, आपकी नाकामी की वजह से आपने अपने पार्टी को, अपने कायद को, अपने पार्टी के कारकुन को नुकसान पहुंचाया। जो रहते हैं वो तो अब आजाद है। अब आजाद पे अपना वोट जाया करने के बजाय, जो कि या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट देना है या उन्होंने मेंबर बन के इस्तीफा और लॉन्ग मार्च की सियासत शुरू करना है, अगर आपने इस इलेक्शन में होशियार होके वोट देना है, आपके वोट का ताकत को इस्तेमाल करना है, जाया नहीं करना है, तो आपको 8 फरवरी को सिर्फ एक इलेक्शन में तीर पे मोर लगाना पड़ेगा, तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ताला मैं और आप मिलके शेर का शिकार करवाएंगे। आप समझो कि इस मुल्क की अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। अगर किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम, ये मुल्क उसको वजीर आजम मानेगा नहीं। ये मुल्क कैसे चलेगा, ये मईशत कैसे चलेगा? मैं वजीर खारजा रहा हूं, मैं जानता हूं कि अगर इसी तरीके से इसी ने आना है तो फिर इसी तरीके से ये मुल्क चलता ही रहेगा, कोई बेहतरी नहीं आएगा। हमने अब 8 फरवरी तक ऐसे जद्दोजहद करना है, ऐसे मेहनत करना है कि ये मुल्क की मईशत की, मुल्क की तरक्की की सब कुछ खतरे में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो एक्सपीरियंस है कि हम ये तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। हम ना सिर्फ मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, हम ये सियासत की तकसीम, नफरत की सियासत भी ख़त्म कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिलवा सकते हैं जिससे मुआशी स्टेबिलिटी आ जाएगा, वो इस प्रोसेस को लेजिटिमेसी दिलवा सकते हैं, वो तरमीमें इंशाल्लाह ताला तरमीम जो हमने अपने मंशूर में वादे किए, वो तमाम वादे पे हम अमल दरामद करके इस मुल्क को एक नया सिम्त पे लेके जाएंगे। हम अपील करते हैं पाकिस्तान के अवाम को कि इस इलेक्शन में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करना है, आपने एक नया सोच को चुनना है, आपने पाकिस्तान की खातिर, जमहूरियत की खातिर, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के खातिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर पे थप्पा लगवाना है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के तीर पे थप्पा लगवाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीर पे थप्पा लगाना है। नारे भुट्टो। yeah!